अभी ये हो रहा है। आगे है जी नैन्सी दीदी के नए घर पर, और अभी देख सकते हैं जी पूरा घर अभी थोड़ा आपको खाली मिलेगा। भांजालाल हो रहा है तैयार हैं? है। दीदी और जिया सभी लोग आ चुके हैं। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी आज है गृह प्रवेश और हम लोग जो है कल ही यहाँ पर पहुँच चुके हैं। फिलहाल एनसी दीदी यहाँ किचन में और अभी चल रही है खाना की तैयारी। और इधर गतिक और क्रियांश जो है इन लोगों का मुलाकात हुआ है, लगभग लगता है शायद 4 महीने बाद इन लोगों का मुलाकात हुआ है। और दोनों लोगों में जो है काफी परिवर्तन है, दिखाते हैं आपको कैसा है अभी माहौल। गतिक जहाँ रहेगा क्रियांश वहीं रहेगा। अच्छा गतिक और जिया जो है केला लेकर के घूम रही है। नहीं खा रहा है, नहीं खा रहा है, तू भी नहीं खा रहा है। अच्छा इसको कितना पसंद है? सब क्या? नहीं खा रहा है। तो हमने अपने फेस पे लगाया पूरा एलोवेरा जेल और ये रहा क्रियांश, पीछे मम्मी और हम सभी जा रहे हैं सोने। दीदी हमारी इधर दुल्हन बनी है। पापा जी सो गए, मम्मी कम से कम लेके घूम रही है बाल। अरे फिर भी जा रहे हैं, अब तो सुन हमको देखिए, सब देखेंगे तो पगली जैसे कहेंगे ये लेके बाल जा रहे हैं, इतना परेशान हो गए। हम लोग सोने जाएंगे। तो हम लोग आ गए सोने के लिए, मम्मी यहाँ पे बैठी खड़ी हैं और ये दोनों जो है ताल का मजा कर रखा है। कहाँ जा रहे भैया क्रियांश? हम तो बोले हम तो नहीं सोएंगे भाई बेड पे, हम तो नीचे ही सोएंगे। ये क्रियांश ऊपर से नीचे करता है। देख सकते हैं जी पूजा के लिए साड़ी को तैयार किया जा रहा है और इसके अलावा जो है जल्दी से जा करके सब पे नहा लो। ब्लाउज दिखाती हूं, आपको कुछ समझ में नहीं आता है? ये देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा, नॉर्मल सा ब्लाउज नहीं है। अच्छा सुंदर डिजाइन जी, वो भी अच्छा है, लटकन फटकन सब लगा हुआ है। अच्छा ठीक है। तो अभी क्रियांश है अंदर और हमारा भांजा है हमारे गोद में। तो अंदर में जो है तबाही मचा रहा था, तो यहाँ जो है मेरे गोद में आया है, इसको बाहर घुमा रहे हैं। तो अभी शांत है, देख सकते हैं कैसे घूर रहा है या ऐसे ही घूरता रहता है। वही गतिक वही, और इसका बाल देख सकते हैं कर्ली जैसा बाल हो रहा है। तो मुझे कर्ली बाल जो है काफी ज्यादा अच्छा लगता है। उसे हमारी टेंडेंसी होती है, जिनका भी बाल स्ट्रेट होता है उनको कर्ली अच्छा लगता है, जिनका कर्ली रहता है उनको स्ट्रेट बाल अच्छा लगता है। तो वही हाल है हमारे साथ। तो सोच रहे हैं कभी हम भी अपना कर्ली करवा लेंगे, है ना, अपने भांजे की तरह। फिलहाल हम इंतजार कर रहे हैं नैन्सी दीदी का। नैन्सी दीदी कुछ खाना बना रही है और खाना बनने के बाद जो है चलेंगे नैन्सी दीदी के फ्लैट पर और आपको जो है रूम टूर भी करवा देंगे जिस घर में जो है एनसी दीदी शिफ्ट होने वाली है। 1 hour later तो क्रियांश का नहाना हो चुका है, नया ड्रेस पहन चुका है क्रियांश है। नया ड्रेस कौन दिया था, बर्थडे का ही गिफ्ट है? ये दी है शांति दीदी, शांति दीदी का गिफ्ट है। तो शांति दीदी अगर ये ब्लॉग को देख रही होगी तो देख सकते हैं आपका ये ड्रेस पहन रहा है ये, और ये जा रहा है बाबा के पास। ये दादी वाला हनुमानी भी पहन लिया ये। ओए चलो 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 पकड़ो इसको दिया। भैया अब हो गया, पापा के पास चले जाए। आई है चाय लेकर के, हम इसलिए चाय लेके आए हैं कि हमारी बेटी, हमारी बहू और हमारा बेटा अभी तक खाना नहीं खाया है। हम सोचे एक एक कप सबको चाय पिलाएं। नहीं नहीं हम खाना खा लिए हैं, खा लिए हम सुबह सुबह उठ के ही अपना खा लिए। हम धोखे में हैं, जब आप चाय ले आए तो मेरे खाने के लिए टेंशन मत लो, हम अपना खा लेंगे। हम लोग पी रहे हैं चाय, पापा उधर खाना खा रहे हैं, दीदी उधर पूछ रही है कौन सा काम है बताइए, और क्रियांश को देख सकते। क्रियांश बुग्गा क्रियांश कहाँ कर लियो, खा लियो। अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले देखा था क्रियांश कितना सुंदर दिख रहा था, और अब 2 मिनट के बाद ही ये दिन में 5 से 6 कपड़ा बदलता है। वाह वाह वाह, और कितने अच्छे से। ये कौन सा स्टाइल था जी, वो वाला ऐसे वाला ऐसे जो दीदी अभी की भूल गए, पुष्पा पुष्पा अब ये हो रहा है। हाँ अब एक और को झेलना होगा, एक तो झेल रहे हैं एक और झेलना होगा। Two hours later. आगे है जी नैन्सी दीदी के नए घर पर और अभी देख सकते हैं जी पूरा घर अभी थोड़ा आपको खाली मिलेगा। बाकी जो होम टूर है वो आपको करवाएंगे। फिलहाल अभी घर में जो है कुछ काम चल रहा है, सारा सामान सब यहाँ पर एक बार सेट हो जाए और यहाँ पर जब पूजा हो रहा होगा तब आप लोग को जरूर दिखा देंगे। फिलहाल जाते हैं देखते हैं यहाँ पर कुछ कुछ सामान सब जो है सेट करना है, जल्दी चल करके करते हैं। भांजालाल हो रहा है तैयार है?
तुम्हारा भांजा ला तैयार होने में ये भी नाटक करता है, तुम्हारा भांजा नहाने भी जाता है, कपड़ा पहनने में यहाँ भी नाटक कर रहा है अपना, वो भी करता है, दोनों सेम सेम। होए होए, और क्रियांश को वहाँ पर मिल गया है कुछ पार्सल, ये लो। उस पार्सल को क्या करेगा, अनबॉक्सिंग करेगा क्रियांश? हाँ, तो ये देख सकते हैं जी, गतिक का कपड़ा देखो, मामा मामा ये देखो, बोलो मामा दिए हमको, मामा दिए, मामी दी है, फिर कहेगी मामी दिए हम, नाम लग रहा है मामा का, मामी दी है, मामी, ये नहीं हमारी बहू सोचती है, मामा वही है, मामी वही है, दोनों भी बराबर है, लेकिन क्या होता है, हम अपने बेटा के नाम ले लेते हैं, मामी के नाम नहीं लेते हैं, ये गड़बड़ हम भी कर देते हैं थोड़ा सा। तो हम हो गए हैं जी तैयार, और क्रियांश में नया कपड़ा पहन लिया है, लेकिन इसको जो है दूसरा ड्रेस पहनाना पड़ेगा, क्योंकि इस ड्रेस को जो है अच्छा खासा ये गंदा कर लिया है, क्योंकि बहुत घूमा है ये। तो अभी चल रहे हैं नए वाले फ्लैट पर, तो क्रियांश भी जाएगा अपने नए वाले फ्लैट पर, अपनी बुआ के घर जाएगा, अपनी बुआ के नए वाले घर जाएगा। लिफ्ट से बाहर आ गए हैं, अब जाना है दूसरे लिफ्ट पर, दूसरा लिफ्ट मालूम है लड्डू? ठीक है चलो, सामने वाला लिफ्ट है, और मालूम चला है कि पंडित जी जो है आ चुके हैं, तो जल्दी से चलते हैं, और लगभग गृह प्रवेश की सारी तैयारी हो चुकी है, पूजा भी होने वाली है। अच्छा बेसमेंट में लग रहा है लाइट चली गई, लाइट आ भी गई, तो यहाँ पर पावर बैकअप है, यह एक अच्छा सिस्टम है, जैसे ही लाइट जाती है तुरंत जो है पावर आ भी जाता है। बेड शीट सब जो है लड्डू के पास में है, लड्डू अपना ड्रेस में है, और साथ में कुली भी बना हुआ है। क्रियांश का दूध ले लिया है ताकि, अच्छा चॉकलेट भी, हाँ तो चल रहे हैं ताकि क्रियांश अपना वहाँ खेलते रहेगा, जब नींद लगेगी तो अपना दूध पी के सो जाएगा। नए वाले फ्लैट के पास, यहाँ पर अपना जूता चप्पल सारा उतार लेते हैं, फिर चलते हैं। यहाँ कलश भी बाहर लग चुका है, यहाँ पर पंडित जी भी आ गए हैं और सारी पूजा की तैयारी कर रहे हैं, बाकी सभी लोग जो है धीरे धीरे आ रहे हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, पापा जी, गतिक, लड्डू, जीजाजी भी यहाँ थे, तो जीजाजी गए हुए हैं कुछ सामान लाने के लिए। इसके हाथ में क्या मिल गया है पता नहीं, ये क्या है, ये कुछ तो है, ये बॉडी स्प्रे, भाई साहब इसको मुंह में ले रहे थे, नहीं ये नहीं लेना है, इसको रख देते हैं। दीदी और जिया सभी लोग आ चुके हैं, और गति का भी रो रहा था, अभी शांत हो गया मम्मी के गोद में, अभी बच्चे को दे देना, क्या नाम है। ढोल वाले भैया भी आ गए हैं, अब ढोल नगाड़े के साथ जो है दीदी और जिया जी अंदर जाएंगे, और ढोल के बाद कुछ हुआ है क्या, ये लिफ्ट के पास वापस लौटेंगे, लिफ्ट के पास से।
माता स पिता स पुत्रा आदिति पंच जना आदिते जातम आदिते जनितम माधो शांतिरंतरिक्षव शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोहदय शांति स्वदया शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति साम शांति हमारे घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, लक्ष्मी की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, अच्छा लगे और इसे वृद्धि नमः कर्म साक्षि नमः अखंड दीप देवता नमो नमः। कहते हैं दीपक क्यों जलाते, दीपक जो है कर्म के साक्षी होते अग्नि देवता। कहते जो हम पूजा पाठ करते हैं किस कौन गवाह था किसने देखा तो अग्नि नारायण कर्म के साक्षी होते हैं, इसलिए दीपक को जला करके शुरुआत करते हैं। कहते हैं इंसान झूठ बोल देगा, हम झूठ बोल देंगे, लेकिन अग्नि जो है झूठ नहीं बोलते। कहते पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर हम कर्म करते हैं कि कर्म के कर्म देवता कर्म के साक्षी, जैसे प्रकाश को उत्पन्न करते हैं अंधकार।